जनाब अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम हॉलैंड। आप देख रहे हैं साइट साउंड ऑफ पाकिस्तान हॉलैंड से। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आजकल हॉलैंड से वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आज का दिन बहुत अहम है, 23 जनवरी 2021। डच गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि यहाँ पे कर्फ्यू लगेगा। जी हाँ, रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4:30 बजे तक आप बाहर नहीं निकल सकते। अब ऐसा भी नहीं कि कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी, आप बाहर जा सकते हैं। अगर कोई फौतगी हो गई या कोई बेघर है, फॉर एग्जांपल देर आर पीपल लिविंग ऑन द स्ट्रीट, उनका कोई घर नहीं है, उनको भी जुर्माना नहीं होगा। लेकिन जो फिर भी बाहर निकलेगा विदाउट एनी परमिट, विदाउट एनी वैलिड रीज़न, उसको 95 यूरो जुर्माना लगेगा। लेकिन यहाँ के लोग बहुत खौफज़दा हैं। हालांकि 80% अग्री करती है कि वो अंदर रहेंगे, लेकिन 20% वो कहती है कि हम शायद बाहर निकल जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। लेकिन यहाँ के लोग इतने खौफज़दा क्यों हैं कर्फ्यू से? इसलिए खौफज़दा हैं क्योंकि सिंस 1945 यहाँ पे कोई कर्फ्यू नहीं लगा। जी हाँ, 1945 में लास्ट टाइम जब कर्फ्यू लगा था वो जर्मनी ने कर्फ्यू लगाया था। और जनाब आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान में अगर आज कर्फ्यू लग जाए तो लोग हैरान ज़रूर होंगे, लेकिन बहुत कम परेशान होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत दफ़ा कर्फ्यू लग चुका है। लेकिन देखते हैं कि इस कर्फ्यू का, जो कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करने की वजह से इन्होंने लगाया है, वो कह रही है कि डच गवर्नमेंट कह रही है कि चलो चाहे 10% ही बचत हो जाए, कि कोरोना वायरस कम हो जाए, दैट इज़ इनफ। ज़्यादातर लोग कौन टारगेट हैं? वो लोग टारगेट हैं जो रात को फैमिली को मिलने जाते हैं या रात को पार्टीज करते हैं। सो 10% से ज़्यादा, 5 से 10% तक ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दैट इज़ एट लीस्ट अ ट्राई, डच गवर्नमेंट ने कहा। ये कब तक होगा दे हैव नो आइडिया, लेकिन इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। मैंने अपने भाई को राज़ी किया है कि उसे कहा है कि यार आधा घंटा पहले कर्फ्यू लगने से मैं जो है ना फिल्मिंग करना चाहता हूँ, सो अपना स्कूटर निकालो। पता नहीं वो मानेगा या नहीं मानेगा, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले सोचा कि ये मैं अभी अपलोड कर दूँ ताकि आप बखबर हो जाएं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे बताएँ कि आपको हॉलैंड से जो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ आपको कैसी लगेगी। ऑल्दो इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ, सो ऑब्वियसली इट हैज़ एवरीथिंग टू डू विद पाकिस्तान। और स्पेशली मुझे कराची से बहुत से लोग कहते हैं कि आप हॉलैंड की व्लॉगिंग किया करें, हम हॉलैंड भी देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कॉमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसे लगा।